हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रेडमी नोट 13 प्रो फ़ोन में आप लोग अलार्म को कैसे लगा सकते हो। अगर आपके पास एक रेडमी नोट 13 प्रो फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको अलार्म को सेट करना है, अगर आप लोग चाहते हो कि गाइस सुबह अलार्म जल्दी बजने लगे, आप लोग सुबह का अलार्म सेट करना चाहते हो टाइमर वगैरह लगा के, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में अलार्म को लगा सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलार्म को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो अपने इस ऐप लिस्ट में आना है, आने के बाद यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा गाइस क्लॉक का, तो इस क्लॉक के एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो अलार्म का ऑप्शन मिलेगा इस पर आना है। आने के बाद यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, प्लस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर टाइमर देखने को मिलेगा, जितने बजे का अलार्म लगाना चाहते हो उस टाइम को यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद नीचे रिंगटोन आप लोग सेट कर सकते हो, रिंगटोन पे क्लिक करके। अगर इस अलार्म को रिपीट करना है, जैसे कि संडे मंडे आपको डेली करना है या मंडे टू फ्राइडे रिपीट करना है, कस्टम पे क्लिक करके आप लोग डेट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वाइब्रेट को यहाँ पर से ऑन ऑफ कर सकते हो, लेबल आप लोग यहाँ पर से लगा सकते हो। तो ये सब करने के बाद ऊपर जो राइट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपका जो अलार्म है वो सेट हो जाएगा, इस टाइम पे आपका अलार्म बजने लग जाएगा। तो सेम इसी तरीके से आप लोग और भी बहुत सारे अलार्म को लगा सकते हो। अलार्म को बंद कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो स्विच है इस पर क्लिक करके ऑफ़ कर दीजिए और यहाँ पर टर्न ऑफ पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही आपका अलार्म बंद भी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने रेडमी नोट 13 प्रो फ़ोन में आप लोग अलार्म को लगा सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।